सब्सक्राइब कीजिए इनोवा इन्फो चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल इनोवा इन्फो। तो गाइस, अपने आप को आप फिट रखने के लिए अपना वेट मेंटेन करके रखते ही होंगे, और वेट मेंटेन करने के लिए आप अपना वेट मेजर करते होंगे या फिर आप अपना मेजर करवाने के लिए वेट इधर उधर जाते होंगे। लेकिन इसको और आसान बनाने के लिए मैं आज एक वेटिंग स्केल का रिव्यू और अनबॉक्सिंग करूंगा, जो कि आपको 1000 रुपए की रेंज में देखने को मिल जाता है। और एक बात और गाइस, कुछ लोग मेरी वीडियो को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, ये है वो वेटिंग स्केल जिसकी आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं, जो कि डॉक्टर ट्रस्ट की तरफ से आता है, प्लैटिनम 501 पर्सनल स्केल। तो प्लैटिनम 501 ये इसका मॉडल नंबर है गाइस, और ये मैंने गाइस अमेजोन से मंगाया है, जो कि मुझे 1000 रुपए का पड़ा है। अगर आपने भी परचेज करा है ये, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये आपको कितने का पड़ा है। तो चलिए गाइस, डिब्बे के ऊपर स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे लिखा है कैपेसिटी 180 kg, मतलब इसकी कैपेसिटी 180 kg तक ही है। और गाइस, यूनिट्स दे रखी है इसमें kg, LV, ST। kg मीन्स किलोग्राम में आप नाप सकते हैं, IB मीन्स पाउंड में नाप सकते हैं, और ST मीन्स स्टोन में नाप सकते हैं। ये तीन अलग अलग मेजरमेंट के हिसाब से आता है, और बाकी तो सारी स्पेसिफिकेशन दे रखी है इसमें आपको। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे बॉडी वेट आप इस पर चेक कर सकते हैं, यूनिट ऑफ चॉइस मीन जो मैंने आपको दिखाया पाउंड और केजी में। ऑटो ऑफ हो जाता है गाइस, इसमें आपको ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओवरलोड अगर आप इस पर डालेंगे तो ये अलर्ट दिखा देगा आपको। लाइट वेट है, अब ब्लू लाइट होगी इसकी डिस्प्ले, और टेम्परेचर डिस्प्ले भी दिखाएगा ये कि टेम्परेचर कितना है। चलिए गाइस, बैक साइड की बात कर लेते हैं। तो बैक साइड में आपको कुछ डॉक्टर ट्रस्ट प्लैटिनम 501 यही लिखा हुआ है जो आगे मैंने दिखाया आपको, और ये अमेरिका की कंपनी है, अमेरिकन रजिस्टर्ड ब्रांड यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ यहाँ पे आपको सोशल मीडिया के अकाउंट दिख जाएंगे जिनको आप जाके विजिट कर सकते हैं। और गाइस, साइट की बात कर लेते हैं, तो साइड में आपको यहाँ पे डॉक्टर ट्रस्ट का लोगो दिख जाएगा, आप इसे स्कैन करके देख सकते हैं। मेरे ख्याल से इसकी वेबसाइट पर ले जाएगा, और यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ इसने ब्रांडिंग कर रखी है, एंटी स्किड डिज़ाइन मीन्स ये स्लिप नहीं होएगा जैसे आप इस पर चढ़ेंगे, एंड लो बैटरी इंडिकेटर, जब बैटरी इसकी लो होगी तो ये लो बैटरी इंडिकेटर आपको एलो करके कुछ दिखा देगा ऐसे। यहाँ पे लिख रखा है गाइस, ऑटो जीरो ऑफ मीन्स अगर आप कई बार अपना वेट नापना चाहते हैं तो इसको आपको ऑफ नहीं करना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे इसने ओवरलोडिंग इंडिकेटर दिखा रखा है, सपोज अगर ये ओवरलोड होता है तो कुछ इस तरीके का ये एरर कोड दिखा देगा, ERR, स्टेप ऑन टेक्नोलॉजी 6mm टेम्पर्ड ग्लास प्लेटफॉर्म, मीन जो इसका ग्लास होगा वो 6mm का होगा टेम्पर्ड ग्लास, और ये पूरा ग्लास बेस है। सेफ्टी एंड कम्फर्ट, लार्ज डिस्प्ले एंड एक्यूरेट रीडिंग, कंपनी कहती है कि आपको लार्ज डिस्प्ले और एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी। चलिए देखते हैं मेजरमेंट करके। गाइस, यहाँ पे हाई प्रिसीजन एक्यूरेज सेंसर कुछ लगे हुए हैं इसमें सेंसर। और गाइस, नीचे की तरफ देख लेते हैं, तो इसका नेट वेट 1.37 kg है, और ग्रॉस वेट 1.57 kg, तो लाइट वेट ही माना जाएगा। और गाइस, इसकी अगर हम MRP की बात करें तो 3200 इसमें MRP दे रखी है, और ये मैंने अमेजोन से 1000 का परचेस करा है। और गाइस, साइड की अगर मैं बात करूं, जो इसके ब्रांड एम्बेसडर है वो रोहित शर्मा है, आप देख सकते हैं। चलिए गाइस, बैक साइड पे तो इतना ही है, जल्दी से इसे अनबॉक्स करके दिखा देता हूं मैं आपको। गाइस, डिब्बा ओपन करते ही हमें यहां पे इसका कुछ मैनुअल गाइड मिल जाता है जिसे आप पढ़ सकते हैं। चलिए इसे रख देते हैं साइड में, और अगर आपको वारंटी चाहिए तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे जो इस पे दे रखे हैं, विद इन 15 डेज ऑफ परचेज, 15 दिन के अंदर अंदर आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा, तभी आपकी वारंटी क्लेम हो पाएगी। तो चलिए इसे भी रख देते हैं साइड में। अब यहाँ पे हमारा आ जाता है स्केल, जो कि कुछ प्रीमियम लुक देता है। इसके फ्रंट साइड में यहाँ पे एक डिस्प्ले लगी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम वेट अप टू 180 kg।
यहाँ पे कुछ गाइड इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, तो आप इसे पढ़िएगा जरूर, तभी इसे यूज करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो गाइड डिब्बे में देख लेते हैं और हमें क्या देखने को मिल जाता है। एक बात मैं बताना भूल गया गाइज आपको, ये चार्जेबल है, आप इसे चार्ज करके यूज कर सकते हैं। और ये गाइज माइक्रो यूएसबी है, तो चलिए इसे भी रख देते हैं साइड में, बाकी डिब्बे को फेंक देते हैं साइड में। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, चार्ज योर स्केल बिफोर यूज, मतलब जब आप इसे यूज करेंगे तो आप इसे चार्ज कर ले। कुछ यहाँ पे बारकोड दे रखा है, इसे आप स्कैन कर सकते हैं। और कुछ स्टेप्स दे रखे हैं इसमें, और यहाँ पे ब्रांडिंग कर रखी है डॉक्टर ट्रस्ट की। और बैक साइड की बात कर लेते हैं गाइस, बैक साइड में आपको यहाँ पे एक बटन देखने के लिए मिल जाता है, जिससे आप अपने यूनिट चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया था आपको कि आप इसे केजी, पाउंड या फिर स्टोन में कन्वर्ट करके अपना वेट मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ डॉक्टर ट्रस्ट का ये लगा हुआ है। तो गाइस, और यहाँ पे चार ग्रिप देखने को मिल जाती है, जो कि चार ग्रिप थियरी। और गाइस, इसका जो ये ग्लास है, तो इस ग्लास की क्वालिटी मुझे कुछ फाइबर मिक्स ग्लास, मींस फाइबर और ग्लास इसमें मिला हुआ है, नहीं तो कोई भी इस पे चढ़ेगा तो ये ऑब्वियसली टूट ही जाएगा। तो चलिए गाइस, मैं आपको बता देता हूँ ये आपको यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले हम इसमें जो बटन है इसको प्रेस करके एक बार देख लेते हैं। तो गाइज, ये केजी में है, आप देख सकते हैं, और बैटरी इसकी फुल है, और अभी जो टेम्परेचर हो रहा है वो 21 डिग्री सेल्सियस। गाइज, आपको कोई बटन प्रेस नहीं करना है, सीधा आपको धीरे धीरे इस वेटिंग स्केल पर चढ़ जाना है, कुछ इस तरह। और जब ये वेट आपका मेजर कर लेगा तब ये एक जगह स्टेबल हो जाएगा, अब ब्लिंक करेगा और आप इस पे सिंपली हट जाएंगे तो ये इसकी डिस्प्ले भी ऑफ हो जाएगी ऑटोमेटिक। और गाइस, अगर कोई आपको दोबारा वेट मेजर करना है इसमें है, तो आपको कुछ जरूरत नहीं है, सीधा आप चढ़ जाइए इस पे, कोई बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है, तो ये दोबारा रीसेट हो जाएगा कुछ इस तरह। और गाइस, जो इसका यूएसबी का पोर्ट है वो कुछ यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे इसे चार्ज कर सकते हैं। और गाइस, एक बात और, जब आप इस वेटिंग स्केल को चार्ज करेंगे तो एक बात का ध्यान रखिएगा, इसकी बैटरी ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो फास्ट चार्जर से चार्ज मत करिएगा, केवल 1 वॉट या फिर 2 वॉट के चार्जर से आप चार्ज कर सकते हैं इसे। तो गाइस, आप इसमें अपना वेट इजीली मेजर कर सकते हैं और अपनी बॉडी को मेंटेन करके रख सकते हैं। और गाइस, एक बात का और ध्यान रखिएगा, ये जैसे आप वेट नापेंगे तो कभी कभार ये हाथ से स्लिप ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि गाइस ये ग्लास और फाइबर का मिक्सचर है, अगर ये हाथ से स्लिप हो गया तो ये टूट भी सकता है, ये प्योर फाइबर नहीं है, क्योंकि प्योर फाइबर टूटता नहीं है। और गाइस, मैंने आपको चार्जिंग के लिए तो बता ही दिया है, अगर आप इसे 1 वॉट के चार्जर से चार्ज करते हैं तो आपका जो स्केल की बैटरी है वो काफी लंबे समय तक चलेगी गाइस। और गाइस, आप लोग ये मेरे से पूछेंगे कि ये मुझे 1000 का कैसे मिल गया ऑनलाइन, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑनलाइन 1100 या 1200 का है। तो गाइस, 5 दिन पहले अमेजोन पर डेबिट कार्ड, रुपए कार्ड जो होते हैं तो उनपे कुछ डिस्काउंट चल रहा था, तो मुझे इसमें 150 रुपए का डिस्काउंट मिल गया था, जिससे कि ये मुझे 1000 का मिल गया, और 5-6 दिन बाद ये मेरे घर डिलीवर हो गया। और आपका कोई और सवाल रह गया हो स्केल से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। आशा करता हूँ फ्रेंड्स, मैं आपके लिए अच्छे कंटेंट ला पा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर देना, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में कुछ नया करते हुए, तब तक के लिए बाय। We'll be right back.